हेलो, प्लीज राइट डाउन। यस, हेलो, प्लीज राइट डाउन। यस, हेलो, हेलो, प्लीज राइट डाउन। यस, इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिवर्सिटी वीट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Question comes from here. So, University Wits, please write down yes if you are able to listen to me. Yeah, because it is just 9 o'clock. So, you may be waiting for me. First, let me write down the people who are from the University Wits. John Lilly, George Peel, okay, then Robert Green, Thomas Nash, Christopher Marlowe, Thomas Kidhek, Pride भी बोलते हैं, who is left, और Lodge, Thomas Lodge. LLP. चलिए ठीक है। सो डियर्स, इफ यू हैव प्लीज, ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। इट मीन्स यू आर एबल टू लिसन टू मी। सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूनिवर्सिटी वीट्स। ओके, देयर वर द 7 मेंबर, ओके, इन द ग्रुप ऑफ द यूनिवर्सिटी वीट्स। एक्चुअली दे स्टडीड फ्रॉम टू यूनिवर्सिटीज। दे वर द स्कॉलर फ्रॉम द टू यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम द कैम्ब्रिज and Oxford University. First of all, I want to say you, if you talk about the Thomas Kidhek, actually he never went to any university between both of, okay? Means if you talk about these both of the university, Cambridge and Oxford, he never went to study these universities. हम साधारण भाषा में यदि बात करें तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो ग्रुप था, ये सारे ड्रामेटिस्ट थे जो कि दे केम टू लंदन फॉर मेकिंग देयर करियर, एंड दे वर फ्रॉम आइदर
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बट दिस इज ए एक्सेप्शन दैट थॉमस काइड या कीड नेवर वेंट एनी स्टडी फॉर स्टडिंग. तो ये ध्यान रखिएगा, द क्वेश्चन इज आस्क्ड विच वन डिंट गो टू स्टडी कैम्ब्रिज आर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिस. ओके, तो हिज नेम इज थॉमस कीड. ये सेवन यूनिवर्सिटी विट्स के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन थॉमस काइड या कीड कभी भी यूनिवर्सिटी मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं गया. ये खुद की इतनी स्किल्स और क्वालिटी थी कि इसके कारण इसके अंदर ऐसी सिमिलरिटीज ऐसी क्वालिटी थी जैसी इन छः लोगों में थी, इस कारण इसको इस ग्रुप में शामिल किया गया है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड से इसमें तीन लोग थे और तीन थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. तो जॉन लिली, थॉमस लॉच और जॉर्ज पीली. मैंने आज इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाया था मैंने, एल एल पी था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. ये वाला जो ग्रुप था एलएलपी वाला, मतलब जॉर्ज लिली और यदि हम थॉमस लॉच को ऊपर कर लेते तो ये एल एल और पी एलएलपी, इसको नीचे ले लीजिएगा यहाँ पर. ये अभी मैं कर ही देता हूँ, चलिए ठीक है. यहाँ पर इसको अपन ले लेते हैं, इसको 3 नंबर कर देते हैं, इसको 2 नंबर कर देते हैं. तो यहाँ पर अपना जॉन लिली है ना, जॉर्ज पीली और जो थॉमस लॉच थे, तो ये हुआ आपका एलएलपी. मतलब एलएलपी थे फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. जॉन लिली, थॉमस लॉच और जॉर्ज पील, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे. और ये जो तीन थे, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश और नेश की स्पेलिंग एन ए एस एच भी लिखते हैं, और क्रिस्टोफर मार्लो, ये जो तीनों थे ये लोग थे आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. प्लीज़ रिमेंबर, पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन देंगे जिसमें 3 ऑप्शन दे देंगे, गलत दे देंगे, या फिर 4 दे देंगे जिसमें 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से होंगे तो एलएलपी वाले होंगे, ऑक्सफोर्ड से होंगे तो है ना. और यदि वो आपका जीएनएम एक नर्स का कोर्स भी होता है, जीएनएम, हम यहाँ उस नर्स के कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं. यदि जीएनएम मतलब ग्रीन, नेश या मार्लो है तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, और थॉमस काइड नेवर वेंट एनी यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी. तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये रिमेंबर कीजिएगा कि ये 7 यूनिवर्सिटी विट्स, और इनको प्री शेक्सपियरियंस कहते हैं. इन्होंने प्री शेक्सपियरियन कहते हैं इनको, और उसका कारण ये था क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता तय किया था. इसमें से कुछ इन्होंने एक अपस्टार्ट को कहा था शेक्सपियर को, ध्यान रखिएगा, इसके बारे हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद इन एक थॉमस जो मार्लो है, इनकी शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी हो थॉमस मार्लो के ऊपर बेस्ड है, बहुत सारी या बहुत बड़ा योगदान है थॉमस मार्लो का, सॉरी क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत बड़ा योगदान है शेक्सपियर की ट्रेजेडी को डेवलप करने के लिए, और जॉन लिली का भी बहुत बड़ा योगदान है शेक्सपियर के जो प्लेज है उनको डेवलप करने में. अभी हम इनके ऊपर 1 by 1 डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी विट्स एक्चुअली दे केम फॉर मेकिंग देयर करियर इन द फील्ड ऑफ द ड्रामा. उस समय ड्रामा मतलब जो पहला जो थिएटर था 1476 में प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके जस्ट 100 साल बाद 100 ईयर्स लेटर 1576 में पहला थिएटर जिसका नाम था थिएटर, ओके, TH EATR थिएटर, जो पहला थिएटर लंदन में डेवलप हुआ था वो 1576 में हुआ था. तो यूनिवर्सिटी जो विट्स थे ये अपना करियर बनाने आए थे. तो इसमें 2 यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से, लेकिन ध्यान रखिएगा थॉमस काइड नेवर वेंट एनी यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा. एलएलपी ऑक्सफोर्ड ग्रुप से थे और कैम्ब्रिज से जीएनएम वाला ग्रुप था. अब यहाँ पर हम आगे एक एक इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं और आगे हम आपको इजीली समझ में आएगा. देखिएगा, सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट द थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं. द यूनिवर्सिटी विट्स वर अ ग्रुप ऑफ ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स हु केम टू लंडन टू ट्राई देयर लक एज प्रोफेशनल प्ले राइट इमीडिएटली बिफोर शेक्सपियर. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्री शेक्सपियरियन, मतलब शेक्सपियर के पहले के, जिन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता
ते किया था ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी इसलिए क्योंकि 1500 के बीच के लोग हैं लगभग, 1500 के बाद के, ओके 1570 के लगभग की स्टोरी है ये. ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द ड्रामा नाउ सेटल्ड इनटू अ रेगुलर एंटरटेनमेंट, पीपल स्टार्टेड एंजॉइंग द ड्रामा ओके फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज ओके. सेम डेट फर्स्ट टू बी डेवलप्ड अलोंग टू डाइवर्ज लाइन्स विच मे विच वी मे लूजली डिस्क्राइब एज कोर्टली ड्रामा. दो तरह के ड्रामा हुआ करते थे उस समय हम, यदि इफ आई टॉक तो वहां पर, यहां दो तरह के ड्रामा की हम बात करते हैं. एक था आपका, ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं अब, पहला जो ड्रामा हुआ करता था आपको कल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं हम, वो था आपका कोर्टली ड्रामा. कोर्टली ड्रामा मतलब जो बड़े रईस एरिस्टोक्रेट थे, जो किंग्स क्वीन थी, उनके जो कोर्ट में जो लोग मतलब प्ले किया करते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए, वो कोर्टली ड्रामा कहलाएगा. दूसरा एक ऐसा होता था जो लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए हुआ करता था, वो हम बात करते हैं तो पॉपुलर ड्रामा एक्टेड बाय कॉमन प्लेयर्स ऑफ इंटरल्यूड्स. तो एक होता था कॉमन पीपल के लिए, जो सभी के लिए होता था, कॉमन होता था सभी के लिए. तो यहाँ पर दो तरह के ड्रामा होते थे, एक स्पेशल जो किंग क्वींस होते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए होता था, दूसरा कॉमन पीपल के लिए ड्रामा हुआ करता था. तो यहाँ हम बात करें, ये जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे, इन्होंने इस कॉमन ड्रामा को बहुत ज़्यादा डेवलप किया. इनका मेन मकसद, सबसे ज़्यादा इनका मकसद था उन लोगों का एंटरटेनमेंट करना जो कॉमन रूप से कोई भी जिसको इंजॉय कर सके. तो हम बात करते हैं आगे इनके बारे में. These scholars wrote plays for the common public and they were acted in the public playhouses. The university wits included John Lilly, George Peel, Robert Greene, इन सभी के नाम है, Christopher Marlowe, Thomas Kyd, Thomas Nash, okay, and Thomas Lodge. The leader of the university wits was John Lilly, but the most powerful of them was Marlowe. इनका leader कौन था, ध्यान रखेगा, university wits का leader कौन था, John Lilly, leader. लेकिन सबसे मोस्ट पावरफुल, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव था पूरे यूनिवर्सिटी विट्स में, वो था इन्फ्लुएंसी या मोस्ट पावरफुल व्यक्ति जो था, वो था क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडी, इन्होंने केवल ट्रेजेडी लिखी है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसे राइटर रहे हैं, ड्रामेटिस्ट रहे, जिन्होंने केवल और केवल ट्रेजेडी लिखी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा ट्रेजेडी के सिवाय. तो एक्चुअली ही रोट ओनली ट्रेजेडी. ये क्वेश्चन भी एक बार नेट में आया कि हु रोट ओनली ट्रेजेडी, इन चार लोगों के नाम दे दिए थे. तो ही वाज क्रिस्टोफर मार्लो, मोस्ट इन्फ्लुएंसिव पर्सन या मोस्ट पावरफुल पर्सन अमंग ऑल द पीपल, ऑल द सेवन, ऑल ओके. एंड जॉन लिली वॉज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, प्लीज रिमेंबर. अब आती बात, सबसे पहले हम जॉन लिली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स वॉज जॉन लिली और ही चोज थीम्स फॉर हिज प्लेस फ्रॉम क्लासिकल डीटीज. दिस इज इवेंट फ्रॉम द टाइटल्स ऑफ हिज प्ले. हिज इंपॉर्टेंट प्लेज आर अ मोस्ट एक्सलेंट कॉमेडी ऑफ अलेक्जेंडर. ये इनके सारे प्ले इतने दमदार नहीं है. हम मेन तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लीडर थे और यूनिवर्सिटी विट्स में ये शामिल थे. इसके बाद हम यदि बात करते हैं, लव इज़ द प्रिंसिपल थीम इन ऑल ऑफ देम. इनके जितने भी प्ले थे उसमें लव को विशेष महत्व दिया गया था, क्योंकि ये खासतौर से कोर्टली ड्रामा भी लिखते थे और उनके एंटरटेनमेंट के लिए, क्वीन और क्वींस के एंटरटेनमेंट के लिए लिखते थे, इसलिए लव थीम को विशेष इन्होंने महत्व दिया है. तो An important contribution of Lilly is that he has written his comedies in prose. ध्यान रखेगा, इन्होंने इनकी जो कॉमेडी वो प्रोज में लिखी है. कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इतना, लेकिन ये बस लीडर के रूप में फेमस थे, इतना ध्यान रखेगा. जॉर्ज पील का कोई महत्वपूर्ण वर्क नहीं है, लेकिन इनका एक महत्वपूर्ण वर्क है द ओल्ड वाइव्स टेल. ये एक महत्वपूर्ण वर्क है इनका, बस जॉर्ज पील, द ओल्ड वाइव्स टेल. यहाँ इनका एक ही वर्क फेमस है, इनका लिली का इतना फेमस वर्क नहीं है, द ओल्ड वाइव्स टेल. द ओल्ड वाइव्स टेल ये इनका एक फेमस वर्क है, द ओल्ड वाइव्स टेल, ध्यान रखिएगा. ये सटायरिकल ड्रामा है, बाकी कुछ इतना खास नहीं है इनका.
और द ओल्ड वाइव्स टेल्स जो है उसी के ऊपर मिल्टन का कॉमस, जो मिल्टन थे जॉन मिल्टन, उनका कॉमस जो एक ये वर्क है वो इनके ऊपर फेमस है। मिल्टन का जो कॉमस है वो लिखा है द ओल्ड वाइव्स टेल के ऊपर, इतना फेमस नहीं है लेकिन हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है मिल्टन का कॉमस, तो आपको ये द ओल्ड वाइव्स टेल बताना, बस इतना सा ध्यान रखना। यहाँ बात आती है, एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे, जॉर्ज रॉबर्ट ग्रीन, इनके बारे में बात करते हैं। ये इन्होंने शेक्सपियर के बारे में अपस्टार्ट क्रो क्यों कहा था, उसके पीछे अभी हम जानेंगे कारण। ये कहीं कहीं ऐसा होता कभी कभी कि जब कोई न्यू जनरेशन का बंदा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और जो पुराने लोग हैं और वो उनसे पुराने लोगों से आगे निकल जाता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा एक जेलेसी फील होने लगती है। उनको ऐसा लगता कि ये बंदा हमारे सामने आया और हमारी कुछ चीज़ों का उपयोग करके या हमारे तरीकों को अपनाकर हमसे कई गुना ज़्यादा उड़ने लगा है, तो उन लोगों को गुस्सा आने लगता है, जेलेसी फील होती है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को जब इन 7 यूनिवर्सिटी विट्स की कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं इनसे आगे निकलते देखा, तो उन्होंने अपस्टार्ट क्रो कहा था और कहा था कि भाई ये हमारे पंखों के दम पे उड़ान भर रहा है लेकिन अभी ये हमारे सामने ही आया है, इसमें अपस्टार्ट क्रो कहा था। और उन्होंने एक पैम्पलेट में कहा था ये, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन हैड बीन अ स्कॉलर ऑफ बोथ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, आप इतना मत ध्यान रखिएगा, ओके। वैसे दोनों जगह से पढ़े थे रॉबर्ट ग्रीन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों से पढ़े थे, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं रखेंगे, हम तो एक ही को ध्यान रखेंगे। ही हैड ट्रेवल्ड वाइडली ओवर यूरोप, ही वॉज डीपली इंडेबटेड टू इटालियन ऑथर्स। तो यहाँ आप सारी चीज़ भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखें कि इन्होंने अपस्टार्ट क्रो कहा था और उसका कारण ये था कि ये इनको कहीं ना कहीं एक जेलेसी फील हो रही थी, या फिर ये देख रहे थे कि हमारे सामने आया और हमारा ही मटेरियल का यूज़ करके ये बंदा हमसे आगे निकल गया, हमारे मटेरियल के दम पे उड़ने लगाए, इसलिए इन्होंने अपस्टार्ट क्रो इनको कहा था शेक्सपियर को। तो ये क्वेश्चन बनता है भैया, हु सेड अपस्टार्ट क्रो टू शेक्सपियर, ही वॉज रॉबर्ट ग्रीन। Please remember, it's very important question. After him, Thomas Lodge की बात करते हैं जो यहाँ पर है। Thomas Lodge was a facile writer. His two plays which came in quick succession, The Wounds of Civil War and A Looking Glass for London, ये इनके दो वर्क थे, इतने फेमस नहीं है इसलिए इतना ध्यान नहीं रखना है। थॉमस नैश, ये इनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें क्योंकि इनका एक इम्पोर्टेंट चीज़ है थॉमस नैश का, ये इनका इनके बारे में क्या है भैया देख लीजिएगा। थॉमस नैश वाज ए बेसिकली आ इन्होंने पैम्पलेट लिखते थे ये, तो पैम्पलेटियर PHAMPH पैम्पलेट पैम्पलेटियर, ये पैम्पलेट लिखते थे एंड स्टोरी राइटर थे। तो ध्यान रखिएगा हुआ द पैम्पलेटियर, तो आपको बताना ही वाज द थॉमस नैश, यदि आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। पैम्पलेट लिखते थे, ही एंटर द एरिना ऑफ इंग्लिश ड्रामा एज वन डिटरमाइंड टू लीव नो फॉर्म अनट्राइड, इन्होंने बहुत हर चीज़ को ट्राई कर दिया था, इन्होंने हर चीज़ को इन्होंने ट्राई कर करके देख लिया था। हीज प्लेज आर ये कोई खाम के नहीं है, बस इनका द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर ये एक महत्वपूर्ण वर्क है इनका, बाकी इतना ध्यान रखना कि ये पैम्पलेटियर थे। और इनका एक वर्क का नाम यदि मैं बताऊं तो वो है, एक वर्क है वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं अभी, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है ये इनका एक वर्क है और एक पैम्पलेटियर थे, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना सा इनके बारे में याद रखना, बाकी सब कुछ भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थॉमस काइट, थॉमस कीट भी बोलते हैं, काइट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स, ये कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सबसे अच्छी एक चीज इंग्लिश ट्रेजेडी जो इनकी थी, स्पेनिश ट्रेजेडी थी इनकी, इन्होंने जो ट्रेजेडी लिखी थी उसका नाम है स्पेनिश ट्रेजेडी जो बहुत फेमस है। और इन्होंने एक नई चीज़ चालू की थी थॉमस काइट ने, इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि जो ट्रेजेडी होती थी ओके ही अप्लाइड एपिसोड्स, उसको एपिसोड में बांट दिया था,
Okay, he was the first English dramatist to discover the bearing of episode and of dramatic moment upon the character, and the first to give the audience a hint of the development that follows from the interaction. मतलब इनकी जो tragedy थी उन्होंने episodic technique का use किया था, ध्यान रखना, और इनका work था Spanish tragedy. ये इनका famous work है. His Spanish tragedy is still considered to be famous tragedy. It is believed that he wrote a play Hamlet also, which has been lost. इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि थॉमस कीड ने भी एक प्ले लिखा था हेमलेट, लेकिन वो कहीं लॉस्ट हो गया. पूछा जा सकता है कि अबाउट हुम इट वॉज सेड दैट ही रोट द प्ले हेमलेट बट इट वॉज लॉस्ट, तो ही वॉज थॉमस काइट. इट इज़ बिलीव्ड दैट ही रोट अ प्ले हेमलेट ऑल्सो, ओके, विच हैज़ बीन लॉस्ट. बाकी के इनके जो वर्क्स हैं वो इतने फेमस नहीं है. द नेक्स्ट इज क्रिस्टोफर मार्लो, ये दमदार बंदा है. क्रिस्टोफर मार्लो, देखो, मार्लो वॉज द मॉडल फॉर शेक्सपियर. पहली चीज तो ध्यान रखना कि जो ट्रेजेडी है, शेक्सपियर ने जो भी ट्रेजेडी लिखी है उसका गुरु मार्लो ही था, क्रिस्टोफर मार्लो. हैड देयर बीन नो मार्लो देयर वुड हैव बीन नो शेक्सपियर. ये कहा गया है, क्रिटिक ने कहा है, Had there been no Marlowe, यदि Marlowe नहीं होता, there would have been no Shakespeare, तो Shakespeare नहीं हो पाता. मतलब Shakespeare की जो ट्रेजेडी है वो है क्रिस्टोफर Marlowe के कारण. यदि Marlowe नहीं होता तो शायद Shakespeare भी नहीं होता. ये एक क्रिटिक ने उनके बारे में कहा है. Shakespeare learnt from Marlowe at least two major dramatic techniques, his theory of tragedy, ट्रेजेडी की थ्योरी उन्होंने सीखी थी, एंड इज ब्लैंक वर्ड टेक्निक, जिसमें अनराइम्ड स्कीम रहती है. तो दो चीज़ें उन्होंने सीखी थी, थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी एंड ब्लैंक वर्ड टेक्निक. ये ब्लैंक वर्ड टेक्निक और ट्रेजेडी की थ्योरी मार्लो ने अपनाई थी, इसलिए उसने केवल ट्रेजेडीज ही लिखी थी मार्लो ने, और ब्लैंक वर्ज में लिखी हुई थी, इसलिए ध्यान रखिएगा. ही लर्नड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो एंड द स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट. इनके जो हीरो है वो ट्रेजिक हीरो रहते हैं. जो हीरो रहता है वो लास्ट में डेथ को प्राप्त करता है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट मतलब उसके मन, सोल और माइंड के बीच में हमेशा एक कहीं ना कहीं हार्ट या माइंड या सोल और माइंड के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है. मतलब दिमाग यहाँ लालच की बात करता है, प्रॉफिट और लॉस की थ्योरी, और सोल है जो सीधा बात करता है, ट्रूथ की बात करता है. इन दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जिसे स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट कहते हैं. थ्रू विच द हीरो पासेस फ्रॉम मार्लोस डॉक्टर फास्टस. इनके वर्क कौन कौन से हैं आप जानते हैं, बहुत फेमस वर्क है जो आप सबको पढ़ना है. डॉक्टर फास्टस, किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड सेकेंड एंड टेम्बरलाइन, जो पहले प्ले था इनका टेम्बरलैन पहला प्ले था, और फोर्थ प्ले था इनका द ज्यू ऑफ माल्टा. ये चार प्ले था इनके, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, और डॉक्टर फास्टर, जिसमें डॉक्टर फास्टर बहुत फेमस है जो आपको पढ़ना है, और इनका डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज. इसमें तो ये एक्सपायर हो गए थे, चार ही प्ले इनके फेमस है जिसमें उन्होंने लिखा था. फोर्थ फिफ्थ तो लिखते लिखते द डीडो वाला में एक्सपायर हो गए थे. तो ये ध्यान रखिएगा, इनके एक बहुत बड़ी इनकी खासियत थी इनके प्ले की, ये देखिएगा. मार्लो वॉज द प्राइम क्रिएटिव फोर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. मार्लो हीरोज कन्फ्रॉन्ट द फेट्स
दे मतलब इसके जो हीरो है ना, उन्होंने भाग्य को नहीं माना, उन्होंने कर्म को माना। उनकी जो गति है ना, कर्म के कारण हुआ, और इन्होंने ये भाग्य के भरोसे नहीं रहते थे, भाग्य को अपने फॉल का कारण नहीं मानते थे। ओके, मार्लोज हीरोज कन्फ्रॉन्ट द फेट्स, दे आर नॉट द स्पॉट ऑफ डेस्टिनी, दे वर नॉट द स्पॉट ऑफ डेस्टिनी का मतलब वो उनका जो फॉल है, उनकी जो गति है, इस तरह जो हुई है, जो नुकसान हुआ उनके जीवन में, जो डेथ का कारण हुआ है, वो कहीं डेस्टिनी नहीं थी, उनकी खुद की कमियां थी जिसके कारण उनको वो मतलब दुखद स्थिति प्राप्त करना पड़ी, जिसे हम ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं। तो उनके जितने भी हीरो हैं उनको किसी न किसी से प्रभावित थे, जैसे द जू ऑफ माल्टा वेल्थ के कारण प्रभावित हुआ था। तो इस तरह से रहते हैं। डॉक्टर फास्टस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ द मोरलिटी प्लेज एंड स्पिरिचुअल ट्रेजेडी। मोरलिटी प्ले, तीन तरह के प्ले होते हैं, आई विल टॉक, अभी बात करते हैं हम। एक मोरलिटी प्ले होता है जो बाद में आया, मिस्ट्री प्ले होता है, और एक मिरेकल प्ले होता है। पहले मिस्ट्री ले लो। मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरलिटी प्ले, और चौथा होता है इंटरल्यूड्स। ये अभी आपको बताता हूँ मैं, ये चार तरह के प्ले होते हैं। तो डॉक्टर फास्टस मोरलिटी प्ले था। मोरलिटी मतलब जो गुण होते हैं। देखिएगा डियर्स, एक्चुअली इसमें बहुत अच्छा बोलता है, और किस तरह इंसान जब स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट की हम जो बात करते हैं, कि इंसान के जब सोल और माइंड, या हार्ट और माइंड के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होता है, तो इंसान किस तरह से मतलब परेशान होता है, और इसके बाद जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, तो किस तरह से अपने आप को बचाना चाहता है, या किस तरह ईश्वर से प्रार्थना करता है। सी सी, वन ड्रॉप वुड सेव माय सोल, हाफ अ ड्रॉप आ माय क्रिस्ट। और वो जब उसकी जब मेफिस्टोफेलेस को अपनी सोल को बेच देता है डॉक्टर फास्टस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी सोल को मेफिस्टोफेलेस को बेच देता है, और वो जब लेने आता है तो वो कहता है, वो गॉड क्राइस्ट से प्रे करता है कि अब है गॉड मुझे बचा लो। ओके, वन ड्रॉप वुड सेव माय सोल, एक बूंद भी खून की मुझे बचा लेगी, हाफ अ ड्रॉप आधी भी चलेगी, आ माय क्रिस्ट, एंड रेंड नॉट माय हार्ट फॉर नेमिंग ऑफ माय क्रिस्ट। ओके, माउंटेन्स हिल्स कम एंड फॉल ऑन मी, कहीं से पहाड़ तू आ जा, कहीं ना कहीं से पहाड़िया तुम आ जाओ, या फिर वो बोलता आओ और मेरे ऊपर आके गिर जाओ, मुझे ढक लो। ओके, एंड हाइड मी फ्रॉम द हैवी रेथ ऑफ गॉड, और मैंने जो गलती की जिसके कारण भगवान मेरे से नाराज हो गया, गॉड मुझसे नाराज हो गया, उससे मुझे किसी भी तरह बचा लो। ओ सोल Be changed into little water drops, मेरी जो आत्मा है उसको एक छोटे से पानी की बूंद के रूप में चेंज कर दो, एंड फॉल into द ocean, और उसको कहीं जो समुद्र है उसमें छोटी सी उस आत्मा को छोटे से पानी की एक बूंद बनाकर और उसको जो समुद्र है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह छुपा दो, नेवर बी फाउंड, कि वो मेफिस्टोफेलेस ढूंढ नहीं पाए और मेरी जान बच जाए। जब इंसान की जान ऐसी है कि जाने ही वाली रहती है, या फिर वो जब उसे लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है, एक सच्ची प्रार्थना करता है, और वो सोचता है कि किसी ना किसी तरह उसकी जान बच जाए। वो हर तरह से ईश्वर से हर तरह से गिड़गिड़ाने लगता है कि किसी ना किसी तरह से मुझे मेरी जिंदगी बच जाए, लेकिन इंसान उससे पहले इतना ज़्यादा अपने अहम में आ जाता है, अपने अहंकार में आ जाता है, या अपने आप को ऐसा मानने लगता है कि मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं है, और यही कारण उसके फॉल का कारण बनता है। यही भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जब इंसान को अहंकार बहुत ज़्यादा होता तो मैं उसे गिरा देता हूँ। तो यहाँ डॉक्टर फास्टस भी कहीं ना कहीं कोई किन्हीं इंच ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स का शिकार था, और नतीजा उसका निकला लास्ट में कि इस तरह बचने के लिए गॉड से प्रे करता रहा। तो इट मीन्स ये जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट था, ये डॉक्टर फास्टस में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं, वो आपके कुछ और इनके कुछ पॉइंट्स जो
महत्वपूर्ण है जिनके बारे में और कुछ मैं जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा, वन मिनट प्लीज, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक सेकेंड। जॉन लिली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लिली वॉज अ पोएट, रोमेंस राइटर एंड अ ड्रामेटिस्ट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। ही वॉज ऑल्सो द लीडर, और इनका एक फेमस वर्क था जॉन लिली, जिनको लीडर भी कहा है, ध्यान रखिएगा। जॉन लिली जो कि लीडर थे यूनिवर्सिटी विट्स के, ये भी हमें पढ़ाना है, तीनों चारों तरह के प्ले के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो जॉन लिली जो कि लीडर थे, इनकी ये बहुत फेमस एक बुक थी, और ध्यान रखिएगा इसके बारे में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ये मैं खुद एक बार फेस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, यूफीज द एनाटॉमी ऑफ इट, द एनाटॉमी ऑफ विट, द एनाटॉमी ऑफ विट, ये पूछा जाता है। यूफीज का टाइटल क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा। यूफीज का टाइटल होगा द एनाटॉमी ऑफ विट। अब इसके पीछे की कहानी सुनो, ये क्या बोलना चाह रहा है इसमें। यूफीज द एनाटॉमी ऑफ विट एंड इट्स सिक्वेंस, यूफीज एंड हीज इंग्लैंड, उससे मतलब नहीं है। इट इज अ शॉर्ट ऑफ लव स्टोरी विदाउट एक्शन, लव स्टोरी, ये एक लव स्टोरी है बट विदाउट एक्शन। अब क्या होता है, मेन चीज देखो, इसके बारे में क्या कहा गया है लोगों के द्वारा। द लेडीज ऑफ द कोर्ट यूज्ड इट एज ए मोरल हैंडबुक। इस यूफेस, जॉन लिली की यूफेस को जो लेडीज थी कोर्ट में, वो इसे मोरल हैंडबुक के रूप में साथ में रखती थी, मॉरल हैंडबुक के रूप में साथ में रखती थी। सुनिएगा, द लेडीज ऑफ द कोर्ट यूज्ड इट एज ए मॉरल हैंडबुक, अ मॉरल हैंडबुक, अ गाइड टू पोलाइट बिहेवियर एंड अ मॉडल ऑफ एलिगेंस इन स्पीच एंड राइटिंग। मतलब उनको गाइड करने के लिए बुक होती थी। यूफेस जो है उन महिलाओं को मॉरल हैंडबुक या गाइड के रूप में होती थी, जो कि अपने को किस तरह अपना व्यवहार करना है और अपनी राइटिंग और स्पीच है उसमें किस तरह के शब्दों का चयन करना है, उसको गाइड करने के लिए यूफेस की द एनाटॉमी ऑफ विट का उपयोग करती थी जो कोर्ट की महिलाएं हैं वो। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लेडीज इसको एक मॉरल हैंडबुक के रूप में इसीलिए यूज करती थी कि उनको किस तरह बिहेवियर करना है। मतलब कुल मिला के कि आपको पूरा, जिस तरह डेल कार्नेगी की बुक व्यवहार कला में आपको व्यवहार करने की कला सिखाई जाती है, इसी प्रकार इसमें भी जो कोर्ट की महिलाएं, उनको द यूफेस द एनाटॉमी ऑफ विट में यही बताया गया है जॉन लिली के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो वर्क एक मैं बता दूं जिसके बारे में हमने थोड़ा सा जो लिखा था उसमें डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस नैश की बात करें, ओके, तो नैश पैम्पलेटियर तो थे ही सही, पोएट एंड प्लेराइट थे, उनके बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। थॉमस नैश के बारे में, इनका द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और लाइफ ऑफ जैक विल्टन, इसके बारे में कुछ नहीं, केवल टाइटल पूछ लिया था एक बार, जो मैंने बताया था कि मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, तो इसका टाइटल क्या है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, इसको ये सभी बोला जाता है, और लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये इसका टाइटल है, लाइफ, ओके, विल्टन, ध्यान रखिएगा, लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जो कि थॉमस नैश का जो पैम्पलेटियर थे उनका द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है, उसका दूसरा नाम लाइफ ऑफ जैक विल्टन है, उसकी कहानी है इसमें, वो बस इसके, ये इसका टाइटल पूछा जाता, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता इससे, केवल टाइटल पूछा जाता है। थॉमस लॉज की बात करें तो इनका ऐसा कोई फेमस वर्क नहीं है जिसके कारण इनको याद करें। हाँ, एक चीज़ हो सकती है जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। थॉमस लॉज का एक वर्क है जिसके ऊपर शेक्सपियर का एक वर्क बेस्ड था, और जिसके कारण आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इनका एक वर्क था रोसलिन करके, रॉस, आर ओ एस, रॉस एल वाई एन डी, रोसलिन,
ये रॉसलीड के ऊपर थॉमस सॉरी शेक्सपियर ने भी एक वर्क लिखा था, और ये रॉसलीन उसमें ये तो एक वर्क है लेकिन इसको कैरेक्टर बना दिया था एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने। एज ये क्वेश्चन बनता है एज यू लाइक इट की जो हीरोइन थी वो रॉसलीन थी, और वो उसको रॉसलीन जो था उसको इसने कैरेक्टर बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से आइडियाज लिया था शेक्सपियर ने। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का वर्क है, आपको पता है कि इसका शेक्सपियर का ये वर्क है एज यू लाइक इट, और उसकी जो हीरोइन है वो रॉसलीन है, और वो जो रॉसलीन है वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि इनसे प्रभावित था, इसीलिए आप स्टॉट क्रॉ कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने, रॉबर्ट ग्रीन ने इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने थॉमस मार्लो से वर्क लिया, इन्होंने आपके जॉन लिली से वर्क से कुछ चीज रॉसलिन से लिया, ये रॉसलिन भी उन्होंने उसी से लिया, थॉमस नेस्टर से, बहुत सारे प्लेस हैं इन्होंने जो ऑथर थे उनके उनसे लिया था, इसीलिए अप स्टार्ट क्रो कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। अगला है क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में थोड़ा सा कुछ दिया है और बात कर लेते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ फायरी इमेजिनेशन एंड इल रेगुलेटेड पावर्स। और क्या, लिली वॉज शेक्सपियर्स फर्स्ट मास्टर इन कॉमेडी, मार्लो वॉज हिज फर्स्ट मास्टर इन ट्रेजेडी। लिली जॉन लिली को मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर का मास्टर था कॉमेडी का वो जॉन लिली था, और शेक्सपियर का ट्रेजेडी का जो मास्टर था वो क्रिस्टोफर मार्लो था। ध्यान रखिएगा, कॉमेडी के जॉन लिली और ट्रेजेडी के थॉमस मार्लो थे। और ब्लैंक वर्ज यूज करते थे ये। शेक्सपियर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्लो, हिज मर्चेंट ऑफ वेनिस इज बेस्ड टू सम एक्सटेंट ऑन द ज्यू ऑफ माल्टा। मर्चेंट ये पूछ लिया जाता है भैया, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस शहर इटली में, ध्यान रखिएगा ना, ये किसके ऊपर निर्भर थी, द ज्यू ऑफ माल्टा, दोनों में धन का लालच रहता है ना, धन प्रॉब्लम करता है, मनी प्रॉब्लम करता है, वेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसके ऊपर बेस्ड था। इसी प्रकार रिचर्ड सेकेंड एंड थर्ड, ये एडवर्ड सेकेंड जो था मार्लो का उसके ऊपर डिपेंड था, तो ये तो नहीं, लेकिन ये पूछा जाता है द ज्यू ऑफ माल्टा। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज बेस्ड ऑन द ज्यू ऑफ माल्टा, ये पूछा जा सकता है। थॉमस गिट के बारे में बात कर लें, इनका स्पेनिश ट्रेजेडी थी, और ये रिवेंज ट्रेजेडी थी, और फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं इसे। ओके, इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी। ओके, द स्पेनिश ट्रेजेडी और रिवेंज ट्रेजेडी में ये होता है कि बदला लिया जाता है, बस यही इनका था एक, ये मेन चीज थी जो आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। अब जो बात आएगी वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते हैं, ये प्लेज जो होते हैं कि किस किस तरह के प्ले होते हैं। सबसे पहले लोग प्ले क्या करते थे कि जो बुलक कार्ट है उसी में पीछे एक छोटा सा एक ग्रीन रूम बना लिया करते थे, और उस ग्रीन रूम में को थोड़ा सा ऊंचा रखते थे ताकि लोगों को दिख जाए, उसी में स्टेज बनी रहती थी, उसके पीछे वो लोग तैयार होते थे, और उसी जो बुलक कार्ट का जो पिछला वाला हिस्सा, जो स्टेज वाला हिस्सा, उसमें परफॉर्म करते थे जगह जगह पर जाकर, तो इनको वेगन प्लेस भी कहते हैं। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर महत्वपूर्ण तीन प्रकार के प्ले जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक मिनट, सबसे पहले हम मिस्ट्री प्ले की बात करें, तो मिस्ट्री प्ले ड्रामेटाइज्ड स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। इसकी स्टोरीज कहाँ से लिया गई थी, द बाइबल से लिया था, इसकी स्टोरी रहेगी फ्रॉम द सेंट्स, ये रहेगा क्वालिटी बेस्ड, जो भी इंसान के वर्च्यूज है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा ये, है ना, और इंटरल्यूड ये कॉमेडी का ही एक रूप है, ठीक है, कॉमिक। तो ये खास तौर से अपन बात करते हैं किसकी, बाइबल की, सॉरी मिस्ट्री प्लेस की। तो मिस्ट्री प्लेस ड्रामेटाइज्ड स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, दे इंक्लूड ड्रामेटाइज्ड ऑफ द फॉल ऑफ ल्यूसीफर
कैन एंड इस तरह इसमें इन्होंने बाइबिल से स्टोरी ली है, मतलब मिस्ट्री प्ले हैं जिसमें बाइबिल की स्टोरीज आपको जब भी मिस्ट्री प्ले की कोई बात करेगा तो उसमें जो बाइबिल की जो रहस्यमय मिस्ट्री मतलब रहस्य जो रहस्यमय स्टोरीज हैं जो मिस्ट्रीज हैं उन स्टोरियों को बाइबिल की जो कहानियाँ उनसे लिया जाएगा। यदि हम बात करते हैं मिरेकल प्ले तो इसमें जो सेंट हुए हैं जो भी हम जानते हैं एक गॉड होता है, इसके बाद में हम गॉड से तो नहीं मिल पाते हैं लेकिन जो सेंट होते हैं जो गॉड के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं, तो इसमें कई सारे ऐसे संत होते हैं जो गॉड की कहानी सुनाने के अलावा अपने भी चमत्कार दिखाते हैं। ओके दे शो दे मिरेकल, तो वो मिरेकल प्ले में आते हैं। जो मिरेकल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो मिरेकल प्लेज वो यदि पूछे तो ध्यान रखना बेस्ड ऑन सेंट्स मिरेकल, मिस्ट्री प्ले वॉज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द बाइबिल, मॉरलिटी प्लेज वॉज बेस्ड ऑन द वर्च्यूज, इसमें जो वर्च्यू होते हैं उनको एलेगोरिकल फॉर्म में चेंज किया जाता है, जैसे कि जो सॉरी जॉन बनियान का जो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है तो मॉरलिटी प्ले है। इसी प्रकार आपका जो जो इंटरल्यूड्स होते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में चला जाता है बोर हो जाता है तो जो बीच बीच में व्यक्ति को जो थोड़ा सा टेंशन से रिलीव करते हैं वो इंटरल्यूड्स कहते हैं या जो कॉमिक सीन होते हैं उनको इंटरल्यूड्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मॉरलिटी प्ले और इंटरल्यूड्स, ये चारों वर्ड्स आपके काम के हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और सबसे फेमस एक वर्क है मॉरलिटी प्ले में, उसका नाम होता है एवरीमैन। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया एवरीमैन जो है एक ये मॉरलिटी प्ले है और बहुत फेमस है मॉरलिटी प्ले में एवरीमैन, ध्यान रखिएगा इसका। जैसे मिस्ट्री प्ले की हम बात करें तो सेकेंड सेफर्स प्ले ये एक मिस्ट्री प्ले है। इसके बाद तो आज हमने जो स्टडी किया है इसके MCQs आप लगा लीजिएगा। आज हमने स्टडी किया यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी विट्स के जो लोग पढ़े हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन कौन है LLP आपके जो है लिली लॉस और पिल, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। नेश आपके मार्लो और जो ग्रीन है ये तीनों आपकी जिनको मैंने GNM भी बोला था, ग्रीन नेश और मार्लो ये तीनों आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। थॉमस किड नेवर वेंट एनी यूनिवर्सिटी वो कभी नहीं गए थे। और इसके बाद हमने ये भी बताया कि जॉन लिली की जो यूफेज है वो जो कोर्ट की जो लेडीज है उसके मॉरल हैंडबुक की तरह यूज़ किया करते थे। आप दूसरी हम यदि बात करते हैं जो आप स्टार्ट क्रो जो कहा था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय रॉबर्ट ग्रीन और वो जेलेसी के कारण कहा था। इसके बाद हम यदि बात करते हैं कि आपका जो द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या द लाइफ ऑफ जैक विल्टन जो टाइटल पूछा जाता वो है, तो आप इस पर जब MCQs लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो शेक्सपियर को का जो मास्टर थे ट्रेजेडी के वो मार्लो थे और कॉमेडी के जो मास्टर थे वो आपके जॉन लिली थे। और इन्होंने बहुत सारे वर्क जैसे हम रोसेलिन की बात करें जो कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में वो रोसेलिन का जो एक वर्क है रोसेलिन जो वर्क है उसी वर्क को पूरा स्टडी करने के बाद उस वर्क को उन्होंने कैरेक्टर के रूप में चेंज किया और वहाँ पर उन्होंने एज यू लाइक इट की स्टोरी लिखी थी। एडवर्ड सेकेंड जिसके ऊपर रिचार्ड सेकेंड और थर्ड की स्टोरी बेस्ड है। और इस तरह द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि द ज्यू ऑफ माल्टा के ऊपर बेस्ड है। तो आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी विट्स, इससे एक क्वेश्चन बनता है, आप इसको प्रिपेयर करें। एक थोड़ा सा मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मॉरलिटी प्ले और इंटरल्यूड्स के बारे में ध्यान रखिएगा। और ये जो मिरेकल प्ले में एवरीमैन बहुत फेमस है बस यही पूछा जाता है, बाकी ये पूछेंगे कि सेंट्स स्टोरी आर इंक्लूडेड इन विच प्ले तो आपको मिरेकल बता देना है। ओके द स्टोरी ऑफ द बाइबिल द स्टोरी ऑफ बाइबिल आर प्रेजेंटेड इन तो मिस्ट्री प्ले में आ जाएगा। ओके वर्च्यूज आर प्रेजेंटेड इन मॉरलिटी प्ले। ओके कॉमेडी सीन या कॉमिक सीन्स या कॉमिक रिलीफ आर व्हाट वी कैन से द टेकन इन या प्रेजेंटेड इन द कॉमेडी सॉरी कॉमिक जो कॉमेडी होती है वो इंटरल्यूड्स में आती है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। बाकी हम इससे आगे का लेक्चर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ रीड करें, आपको इससे थोड़ा थीम समझ में आया होगा और जब आप इसमें जब आप MCQs लगाएंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बाय, थैंक यू।
बोलो बेटा।